काम तो हमें करना है मालूम हो गया, लेकिन इसके बारे में हुक्म खुदा है ये हम कैसे मालूम करें? ये तो हमारी कैपेसिटी से बाहर। मौली साहब जोर लगाए पड़े हैं कि हमारी ड्यूटी है, हमारा फरीजा है कि मालूम करो, और हमें ताकत नहीं है मालूम करने। तो मैं आपकी खिदमत में करना चाहता हूं कि यहीं से मजहब ने जिम्मेदारियां तकसीम कर दी। क्या जिम्मेदारियां तकसीम कर दी? मजहब ने कहा कि मुसलमानों, इस्नाशरीशियों, तुम्हारे दरमियान ऐसी जमात का, ऐसे ग्रुप का होना जरूरी है, लाजमी है, लाजिम है कि तुम्हारे दरमियान एक जमात हो, एक ग्रुप हो, एक गिरोह हो। किनका ग्रुप हो, किनकी जमात हो? उनका ग्रुप हो, उनकी जमात हो जो सारी जिंदगी इल्म दीन और इल्म फिका हासिल करे, ताकि वो कुरान से और हदीस मासूमीन से ये मालूम कर सके कि हुक्म खुदा क्या है। जो काम सामने आए उसके बारे में वो मालूम कर सके कि हुक्म खुदा आया है या नहीं आया है। हुक्म खुदा आया है तो वो वाजिब है या हराम है, या मकरूह है या मुस्तहब है। तो एक जमात ऐसी होना चाहिए जो तफसील के साथ सारी जिंदगी इसी काम में खर्च करे, और वो कुरान और हदीस मासूमीन से हुक्म खुदा मालूम करे। ये जमात, ये मालूम करने वाले, ये कौन होंगे? ये मालूम करने वाले का नाम फकीह होगा, इस मालूम करने वाले का नाम मुज्तहिद होगा, जो ये जमात होगी इस जमात का नाम जम फुकाहा होगा, फकीहों की जमात होगी। इनका काम है कुरान से हुक्म खुदा निकालना, इनका काम है 14 मासूमीन की हदीसों को सामने रखना और हुक्म खुदा मालूम करना। इसके लिए लफ्ज क्या आता है? तफसीली दलीलों से हुक्म खुदा मालूम करना, यह फकीह का काम है।